हम सब बैठे थे, बीजेपी के नेता बैठे थे और मैं सोच रहा था देश का प्रधानमंत्री कैसा व्यक्ति है। लाल किले से गांधी जी का और हिंदुस्तान के सब नागरिकों का, हिंदुस्तान के हर किसान का, हर माता हर बहन का लाल किले से अपमान करते हैं, कहते हैं हिंदुस्तान ने कुछ नहीं किया, नरेंद्र मोदी के आने से पहले ये देश सो रहा था, हाथी सो रहा था। गांधी जी की मूर्ति के सामने जाके हाथ जोड़ते हैं, मगर जिस चीज के लिए गांधी जी ने अपनी पूरी जिंदगी दी, जिस चीज के लिए गांधी जी ने अपनी जान दी, तीन गोलियां खाई, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री रोज लड़ते हैं। गांधी जी ने कहा देश को जोड़ना है, मोदी जी कहते हैं देश के सब लोगों को तोड़ना है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरे जात से लड़ाते हैं, जहां भी जाते हैं कहीं ना कहीं गुस्सा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, क्रोध फैलाते हैं। कहा था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल के दिखाऊंगा। गांधी जी ने कहा था सत्याग्रह, सत्य की लड़ाई, सत्य ही सबसे बड़ा, सब सत्य ही सबसे जरूरी चीज है। पूरी जिंदगी यही दोहराते गए, यही बोलते गए। गांधी जी ने पूरे देश को रास्ता दिखाया था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी पूरी जिंदगी गांधी जी ने ना किसी से नफरत की, ना किसी के बारे में गलत बोला, ना किसी से हिंसा की, प्यार से भाईचारे से महात्मा गांधी जी और उन दिनों के हिंदुस्तानी लोगों ने दुनिया के सुपर पावर को हराया, लड़ाई करने का एक नया तरीका दिखाया। पूरी दुनिया में हिंसा थी, वर्ल्ड वॉर टू का समय था, हिटलर का समय था, बम गिर रहे थे और हिंदुस्तान के नेता ने कहा हम दुनिया के सुपर पावर से लड़ेंगे, दुनिया के सुपर पावर को हराएंगे, मगर प्यार से लड़के प्यार से हरा के दिखाएंगे। और यही काम हिंदुस्तान की जनता ने, महात्मा गांधी ने, और जब मैं कहता हूं हिंदुस्तान की जनता, आप लोगों के माता पिता, आप लोगों के दादा दादी नाना नानी ने अंग्रेजों को हराया, आप सब लोग के परिवार उस लड़ाई में शामिल थे, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। कुछ महीने पहले 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री जी का भाषण हो रहा था, आज प्रधानमंत्री ने गांधी जी के बारे में आर्टिकल लिखा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का भाषण हो रहा था, मैंने सुना। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले हाथी सो रहा था, मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले हिंदुस्तान सो रहा था, मेरे प्रधानमंत्री के बनने से पहले कुछ नहीं हुआ, मैं प्रधानमंत्री बना तो हिंदुस्तान जगा, हाथी जगा और पूरी दुनिया को पता लगा कि हिंदुस्तान अपने पैरों पे खड़ा हुआ। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के शब्द थे।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी ने आपसे 15 लाख रुपए का वायदा किया था, क्या वो सच बोल रहे थे या झूठ? यहां मुझे युवा दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मेरे प्रधानमंत्री के बनने के एकदम बाद हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने सच बोला था या झूठ? किसानों से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, विदर्भा, महाराष्ट्र के किसानों से नरेंद्र मोदी ने कहा था, सही दाम दिलवाऊंगा, मुझे प्रधानमंत्री बना दो। विदर्भा के किसानों, वर्धा के किसानों, हिंदुस्तान के किसानों, क्या नरेंद्र मोदी ने आपसे सच बोला था या झूठ? माताएं बहनें आई हैं, आपको वो दिन याद है जब नरेंद्र मोदी जी ने आपके घर से पैसा छीन के आपको लाइन के बैंक में खड़ा किया था, आपको वो दिन याद है ना बहनों? बहनों आप मुझे एक बात बताइए, लाइन में आपको एक सूट बूट वाला दिखा? क्या लाइन में अनिल अंबानी जी खड़े थे? क्या लाइन में विजय माल्या खड़े थे? ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी कोई खड़ा था? नहीं ना। आपको मालूम है वो कहां थे? नरेंद्र मोदी जी के सब मित्र आप बैंक के सामने लाइन में खड़े थे, वो बैंक के पीछे के दरवाजे से अंदर घुसे और उन्होंने अपना पूरा का पूरा काला धन सफेद में बदल दिया। लाखों करोड़ रुपए काला धन हिंदुस्तान के सब चोरों ने नरेंद्र मोदी जी की मदद से सफेद में बदल दिया और आपके जेब से पैसा निकालकर नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी के जेब में नरेंद्र मोदी जी ने डालने का काम किया। पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम गिरे, $140 प्रति बैरल हुआ करता था तेल इंटरनेशनल मार्केट पे, आज $80 है। पूरी दुनिया में गिरते जा रहे हैं और हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम और महंगाई बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक हर एक हर रोज बढ़ता जा रहा है। आपके जेब में से पैसा निकाला जा रहा है और हिंदुस्तान के 10-15 सबसे अमीर लोगों के जेब में डाला जा रहा है। कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। गांधी जी चौकीदार कर रहा है, चौकीदारी कर रहा है, किसकी कर रहा है? उनके लिए कर रहा है। चौकीदार नहीं भागीदार, सही बात है बिल्कुल। तो यही देश की सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी कमजोर लोगों की, किसानों की पार्टी है, छोटे दुकानदारों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है और हमारा काम आपको अपनी मन की बात बताने का नहीं है। देखिए, मन की बात सुननी है तो नरेंद्र मोदी जी के पास जाइए, उनके पुराने भाषण निकालिए, मन की बात सुनते जाइए। हमें आपको अपनी मन की बात नहीं बतानी, हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं। आप हमें बताओ आपके मन में क्या है और आप हमें बताओ हमें करना क्या है। किसान हमें बताए, भैया हमारे मन में यह बात है, कर्जा माफी करो, हम करके दिखाएंगे आपको। 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया था, फिर से करके दिखा देंगे। और युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, देश के सामने दो ही समस्याएं बड़ी, एक रोजगार की समस्या, और मैं समझता हूं कि आप सब महाराष्ट्र के युवा, हिंदुस्तान के युवा,
मैं जानता हूं और समझता हूं कि आप देश की मदद करना चाहते हो, आप किसी से फ्री गिफ्ट नहीं चाहते हो, आप किसी से तोहफा नहीं चाहते हो, आप देश को मजबूत करना चाहते हो और आप सिर्फ अपने देश से, अपनी सरकार से रोजगार चाहते हो। नरेंद्र मोदी जी पे आपने भरोसा किया था, याद कीजिए, 4 साल पहले आपने उन पे भरोसा किया था, उन्होंने वायदा किया था कि मेड इन चाइना नहीं होगा, मेड इन इंडिया होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 4 साल हो गए आपके पास सेलफोन है, दुकानों में आप जाते हो, सेलफोन के पीछे देखो मेड इन चाइना, जूते के नीचे देखो मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे देखो मेड इन चाइना, कैमरा मेड इन चाइना, माइक्रोफोन मेड इन चाइना। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे झूठा वायदा किया था और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं दिला सकते हैं और कांग्रेस पार्टी दम लगा के दिल से 24 घंटे काम करके आपको रोजगार देने का काम दिखा के करेगी। और हम वो दिन देखना चाहते हैं, वो दिन देखना चाहते हैं जब वर्धा का युवा, विदर्भ का युवा सेल्फी ले और फोन के पीछे देखे उस पर लिखा हो मेड इन वर्धा, मेड इन महाराष्ट्र, मेड इन इंडिया। ये बदलाव लाना है, किसानों की मदद करनी है, उनके साथ खड़ा होना है और देश को बदलने का काम करना है। देखिए, मोदी जी को आपने ट्राई कर लिया, गाड़ी फेल हो गई, पंक्चर हो गया, इंजन फट गया, नहीं चली, भरोसा तोड़ दिया उन्होंने। मुस्कुरा रहे हैं आप लोग, समझ गए मेरी बात। अब कांग्रेस पार्टी पर भरोसा कीजिए, गांधी जी की विचारधारा पर भरोसा कीजिए, मिलके विदर्भ को और महाराष्ट्र को, पूरे हिंदुस्तान को तेजी से आगे बढ़ाना है। इन लोगों ने टाइम जाया किया है, अब हिंदुस्तान को आगे ले जाना है और मिलकर आपकी बात सुनकर, आपके जो दिल में है उसको सुनकर हम देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप दूर दूर से आए, आपको कष्ट हुआ, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और जो छत पे खड़े हैं आपका भी दिल से नमस्कार। जय हिंद।